Hello everyone, welcome to Gyan for Media and I am Dr. Kritika. Well, I hope you all are preparing well for your examination and आपने अभी तक मेरे पिछले यूनिट 1 के वीडियोस देख लिए होंगे. अब हम लोग इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं एंड वील टॉक अबाउट डेवलपमेंट कम्युनिकेशन टूडे इन दिस वीडियो विच इज अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक. क्योंकि मैं अगर आपके सिलेबस को यहाँ पे दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यूनिट 2 में कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज अपने आप में एक पूरा का पूरा यूनिट दिया हुआ है यहाँ पे. लेकिन इससे पहले कि मैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की बात करूं, मैं एक बात आपको बता देती हूं कि यूनिट 1 हमने पूरा कवर कर लिया है. कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन इन इंडिया वी हैव टॉक्ड अबाउट इन अ वीडियो. आई हैव अपलोडेड अ वीडियो ऑन हिस्ट्री ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं. रही बात प्रेस काउंसिल प्रेस कमीशन की, इस पे मैंने पहले एक वीडियो अपलोड किया हुआ है. थ्योरीज पे हम कई बार वीडियोस बना चुके हैं, यू कैन रेफर टू दोज वीडियोस. इसमें नॉर्मेटिव थ्योरीज और क्रिटिकल थ्योरीज जो है वो इम्पॉर्टेंट है, प्लीज डू नोट इट. तो उसको आप अच्छे से थरली पढ़िएगा. आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया, यू कैन चेक आउट दैट लिंक. ऊपर भी लिंक आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, सो यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोज ऑल्सो. बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फिलोसफिकल एथिकल एंड एस्थेटिक परसेप्शन ऑफ कम्युनिकेशन का. ये आपको आसानी से कहीं ना तो इसके वीडियोज मिलेंगे ना ही आपको ये किताबों में बहुत इजीली समझ में आएगा. तो इस पे मेरा बहुत ही बड़ा वीडियो है जिसमें कि प्रोफेसर आतिश पराशर सर ने पूरा इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है और हिंदी में इंग्लिश में दोनों में एक्सप्लेन किया है. एरिस्टोटल एंड प्लाटो के क्या व्यूज थे, हिंदू बुद्धिस्ट इस्लामिक ट्रेडिशंस में मीडिया का क्या रोल है एंड व्हाट आर दी एथिकल एंड एस्थेटिक परसेप्शंस ऑफ कम्युनिकेशन देयर. सो यू मस्ट गो थ्रू दिस वीडियो क्योंकि ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो आपको आसानी से कहीं भी नहीं मिलेगा. हमने बात की है पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट्स की भी. मेरे जो एक्सपर्ट सीरीज वाले वीडियोस हैं उसको आप चेकआउट कर सकते हैं इन सभी टॉपिक्स के लिए. आज हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की. तो चलिए बिना देर करे अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं. अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू ज्ञान फॉर मीडिया. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स. नाउ हियर ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी फ्यू डेफिनेशंस दैट आई हैव मेंशन्ड ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन. इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि थ्योरी पढ़ना और उसको समझ के पढ़ना दोनों में बहुत अंतर है. कंपटीशन के लिए थ्योरी पढ़ना या फिर ऐसे ही अपनी नॉलेज के लिए थ्योरी पढ़ना, बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग्स. सो यहां पे जो इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है वो है, एक नाम ही आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, नोरा क्यूब्रेल का, ठीक है. 1975 तो इसलिए लिखा है क्योंकि ये बात जो कोर्ट्स में दी गई है उन्होंने 1975 में कही थी. अब नोरा क्यूब्रेल जो है इनको कहा जाता है मदर ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, ठीक है. प्लीज नोट इट डाउन इन योर कॉपीज. कई बार क्वेश्चन ये आता है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन से रिलेटेड और बच्चे जो हैं इवर्ट एम रॉजर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं. स्टूडेंट्स दे मोस्टली थिंक दैट ओके रॉजर्स ने डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में बात की थी, तो करेक्ट आंसर उसी से रिलेटेड उन्हीं से रिलेटेड होगा. लेकिन ऐसा नहीं है, नोरा क्यूब्रेल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शख्सियत थी जो कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में जिन्होंने बहुत काम किया. शी वॉज अ वेल नोन वेल रिनाउंड रिसर्चर इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन. हियर यू कैन सी इट इज रिटन दैट शी सेड दैट डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन. आई रिमेम्बर यूजीसी नेट में एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इज द आर्ट एंड डैश ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन. ये किसने कहा है और ये डैश में आप क्या फिलअप करने वाले हैं, इमेजिन. सो ये इस तरह के एक एक लाइन पे क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी नेट में. यू हैव टू बी वेरी थॉरो विद योर स्टडीज. सो नोरा क्यूब्रेल इज द राइट आंसर. मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स एट दैट टाइम दे टिक मार्क इवर्ट रॉजर्स और यहाँ पे आर्ट एंड साइंस क्योंकि थोड़ा सा गैसेबल था तो ये कई लोगों का सही हुआ, लेकिन रिसर्चर का नाम बिल्कुल गलत हुआ.
तो ये डेफिनेशन आप प्लीज थोड़ा सा लर्न कर लीजिए. दैट डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन अप्लाइड टू द स्पीडी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ कंट्री एंड द मास ऑफ इट्स पीपल फ्रॉम पॉवर्टी टू डायनेमिक स्टेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दैट मेक्स पॉसिबल ग्रेटर सोशल इक्वालिटी एंड द लार्जर फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल. सो एज you can or maybe you might not be able to understand, I don't know, लेकिन development communication as the name suggest, जब हम किसी area के किसी community के किसी state के किसी country के development या किसी in all किसी society के development के लिए किसी तरह के communication tool का इस्तेमाल करते हैं या किसी तरह से लोगों के बीच में communication होता है for the development of that society, it is known as development communication. ठीक है, ये मोटा मोटा क्रक्स है. आपके पास अगर assertion reason में भी question आ रहा है कुछ इस तरह का तो आप उसको easily समझ सकते हैं. Then Rogers ने क्या कहा कि development communication refers to the uses to which communication is put in order to further development. आप किस तरह से communication को use करें, आप समझ रहे हैं दोनों definitions में क्या difference है. One, जो जिनको कहा जाता है मदर ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, शी इज सेइंग दैट इट इज बोथ आर्ट एंड साइंस ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन अप्लाइड टू द स्पीडी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कंट्री. ठीक है, दोनों चीजों को अप्लाई करके आप एक ट्रांसफॉर्मेशन इन अ स्मॉल इन अ लेसर स्पैन ऑफ टाइम आप ला सकते हैं. और रॉजर्स ने क्या कहा कि इट रेफर्स टू द कम्युनिकेशन जो कि किया जाता है इन ऑर्डर टू फर्दर डेवलपमेंट और डेवलप करने के लिए सोसाइटी को, जिस तरह का कम्युनिकेशन किया जाता है उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन. बाकी दो डेफिनेशंस और हैं, इनको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं. फर्स्ट वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट, इनकी डेफिनेशन है वो आप पढ़ लीजिएगा. एफ रोसारी ब्रेड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के बारे में क्या कहते हैं, इनकी डेफिनेशन है, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा. फिलॉसफी ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन क्या है, मोटा मोटा यही है कि आप डेवलपमेंट के लिए कम्युनिकेशन वहां पे करते हैं. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, तो अनलाइक द कॉरपोरेट और इंटरनल कम्युनिकेशन दैट वी डू, उसके जैसा नहीं है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशनल रोल है. यहाँ पे वी वांट टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, वी हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हियर जिस जो कि डेवलपमेंट है और उसके लिए हम एक तरह का कम्युनिकेशन कर रहे हैं. सो रोल क्या है, एक तो ट्रांसफॉर्मेशनल रोल है, सेकेंडली एक सोशलाइजिंग रोल है, विच मीन्स कि जब डेवलपमेंट कम्युनिकेशन सीक्स अ सोशल चेंज इन अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी, यानी कि आप किसी चीज को बदलने की, उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशनल रोल हो जाएगा. अगर आप यू आर सीकिंग टू मेंटेन द एस्टैब्लिश्ड वैल्यू ऑफ द सोसाइटी, यानी कि आप अपनी सोसाइटी की वैल्यूज को मेंटेन करना चाहते हैं या फिर आप उसको फर्दर एक्सटेंड करना चाहते हैं, सो दैट इज अ सोशलाइजिंग रोल ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन. ठीक है, फिर बात आती है नेचर ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन क्या है, पर्पसिव होता है, किसी पर्पस से आप कम्युनिकेशन वहां पे कर रहे होते हैं. नेचुरली यू वांट डेवलपमेंट, सो यू इट इज पर्पसिव इन नेचर, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, डेवलपमेंट कैन नॉट बी नेगेटिव इन नेचर, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट इज प्रैग्मेटिक, विच मीन्स डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इज अबाउट वॉट वन वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट एंड विथ वॉट ऑब्जेक्टिव. तो कुछ ना कुछ आपके पास उसमें एक सॉलिड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिसके लिए कि आप कम्युनिकेशन करते हैं. वॉट रोल डज मीडिया प्लेज इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, सो मीडिया के बिना तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस इन अ सोसाइटी एक तरह से अधूरा है. सो मीडिया क्या काम है, इट हेल्प्स टू सर्कुलेट द इन्फॉर्मेशन, इट हेल्प्स टू प्रोवाइड अ फोरम टू पीपल वेयर दे कैन टॉक अबाउट एंड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू एजुकेट पीपल इन अ सोसाइटी. ये बहुत सिंपल लग रहा होगा आपको कि बहुत ही ऑब्वियस एंड सिंपल चीजें हैं, लेकिन इसी तरह से अब आपसे प्रैग्मेटिक का ये जो पूरा लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इज अबाउट व्हाट वन वांट्स टू कम्युनिकेट एंड विद व्हाट ऑब्जेक्टिव, सो दे मे आस्क यू दैट डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इज अबाउट
what one wants to communicate and with what objective, what does this statement mean. और आपको options में दिया जाएगा कि purposive, positive, pragmatic. So बड़ा लगता है कि कहाँ से इन्होंने सवाल पूछ लिया है. तो सवाल सब आपके थ्योरी में से ही आते हैं. द ओनली पॉइंट इज कि आप कहाँ से उसको पढ़ रहे हैं. सो इट इज प्रैग्मेटिक इन नेचर. ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं टाइम एंड अगेन. नेट का पेपर बच्चे स्टूडेंट्स देखते हैं, दे गेट कंफ्यूज, दे थिंक कि कितना आउट ऑफ द बॉक्स सब कुछ आ गया है, ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा. राइट, सो प्लीज गो थ्रू ऑल माई वीडियोज बिकॉज आई डोंट बिलीव इन too much of study. I believe in smart education, right? So please go through all the videos जो भी मैंने यहाँ पे description में दिए हैं या ऊपर आपको link दिख रहा होगा, उनको आप देखिएगा, समझिएगा. बहुत सारे professors ने मेरे channel पे अच्छी बातें कही हैं, आप उनको सुनिएगा. Do like the video, do subscribe to ज्ञान फॉर मीडिया इसी तरह के और videos के लिए. And also paper 1 की preparation भी आपकी simultaneously हो रही होगी, I'm sure. And do not forget to follow us on our Facebook page.